जय दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। इस कंपनी से यहाँ पर अगर हम बातें करें तो यहाँ पे हमको तीन बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आती हुई हमको देखने को मिल जा रही है, जिसमें से बोनस से रिलेटेड भी यहाँ पे हमको न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, जिसको हम यहाँ पे आगे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 24 जून से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जून को यहाँ पे इनके AGM की मीटिंग होने वाली है, सो उससे पहले अगर यहाँ पर आप इस कंपनी को बाय कर लेते हैं तो अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 24 जून को भी खरीदे तो भी कोई बात नहीं, अगर ये जो न्यूज़ हमको सामने आती हुई देखने को मिल रही है वो सच हुई तो भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन तब थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चले। तो चलिए सीधा चलते हैं अब अपने न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर हम सीधा अपनी कंपनी के न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं। एंड इस न्यूज़ की बातें करें तो ये हमारी नंबर वन न्यूज़ देखने को मिलती है, जो कि सऊदी अरामको से रिलेटेड यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सऊदी अरामको चेयरमैन एंड गवर्नमेंट ऑफ द किंगडम वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यासिर अल रुमायन में बी इंडक्टेड ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिस इज अ प्रीकूर्सर टू अ $15 billion डील सेट रिपोर्ट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट्स के जरिए ये खबर आती हुई हमको देखने को मिल जा रही है कि जो यासिर अल रुमायन जी हैं वो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो एनुअल जर्नल मीटिंग यहाँ पे होने वाली है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डील सऊदी अरामको से रिलेटेड और रिलायंस से रिलेटेड यहाँ पे होनी है दोस्तों, उस डील के अग्रणी, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि उस डील के लिए ये वहाँ पे जाएंगे, प्रस्ताव को रखेंगे या जो भी उनका पूरा वो होता है प्रोसेस, उस चीज़ को वहाँ पे वो करेंगे। एंड इस डील की अगर बातें करें तो आप देख सकते हैं कि $15 billion की यहाँ पे ये डील होते हुए हमको देखने को मिल जा रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है इसका जो इम्पैक्ट है वो अपने कंपनी के ऊपर हमको ज़रूर देखने को अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि इस डील से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि जैसे ही यह डील से रिलेटेड यहाँ पे हमको खबर आई कि ये डील हो जा रही है तो वैसे ही हमारी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बातें करें तो उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पे रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड ये भी देखिए कि रिपोर्ट्स के हवाले यहाँ पे खबर आ रही है, तो हो सकता है कि जो यासिर अल रुमायन जी है वो अगर शामिल हुए एंड इस डील से रिलेटेड बात हुई तो ऐसा आपको सुनने में मिल सकता है कि ये डील हो चुका है एंड यहाँ पे रिलायंस इसका अनाउंसमेंट भी कर सकता है, जिससे कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली न्यूज़। एंड हमारी जो दूसरी और तीसरी न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर हम उन दोनों न्यूज़ को एक साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम कि रिलायंस की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो 24 जून को यहाँ पे होने वाली है, ये तो आपको यहाँ पे मालूम है। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पे कुछ मानना है कि ऐसा यहाँ पे इसमें हो सकता है। जैसे कि अगर बातें करें तो सबसे पहले यहाँ पे 5G से रिलेटेड यहाँ पे हमको न्यूज़ आते हुए देखने को मिल सकती है। 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका यहाँ पे अगर बातें करें तो फ़ोन्स भी गूगल एंड अगर रिलायंस की बातें करें तो ये मिल करके 5G फ़ोन्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो ये न्यूज़ भी हमको यहाँ पे सुनाई देते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्च की यहाँ पे बातें की गई है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, उनका ये भी मानना है कि यहाँ पे बोनस भी अब इनके शेयर होल्डर्स को मिल सकता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे डिविडेंड भी मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे बोनस या डिविडेंड जैसी चीज़ें यहाँ पे हमको सामने आती हुई देखने को मिली तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी में यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बातें करें, अगर हम उसका अंदाज़ा लगा कि ये सभी जो तीनों न्यूज़ यहाँ पर हमने अभी जस्ट कवर की, अगर ये तीनों न्यूज़ में से अगर बोनस और सऊदी अरामको की डील जो है अगर ये दोनों ही सच हो जाती है तो भी इस कंपनी में हम कह सकते हैं कि 20-25% तक की रैली यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को होते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि अभी इस कंपनी को बाय करेंगे, ना कि 24 तारीख को, क्योंकि न्यूज़ आने से पहले आप जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर तक जो न्यूज़ है वो आने में बहुत ही लेट हो जाता है। उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होंगे अच्छी खासी क्वान्टिटी में बाय कर लेंगे एंड इसका इस कंपनी का जो शेयर प्राइस होगा वो करीब 7-8% 10% यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन
अगर दूसरे पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बातें करें तो मान लीजिए अगर ये न्यूज़ सच नहीं होते हैं तो आपको इस कंपनी में थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे हमको कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये कंपनी के लॉन्ग टर्म की अगर हम बातें करें तो लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर जो है हमको ब्राइट ही देखने को मिल रही है। सो घबराने की कोई भी टेंशन बात नहीं है दोस्तों, आराम से इस कंपनी को यहाँ पर आप देख करके चल सकते हैं। तो यही थी ये तीनों न्यूज़ दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर आज की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि करीब 0.60% की आपको इस कंपनी में रैली ही देखने को मिली है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कि जब मार्केट ओपन हुआ तो डाउन हो, ये कंपनी भी ओपन हुई थी, मार्केट भी डाउन में ओपन हुई थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट कवर हुआ वैसे वैसे इस कंपनी में यहाँ पे कवर होते हुए हमको देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 2:30 बजे के बाद यहाँ पे इस कंपनी में एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि आपको देखना चाहिए। डिलीवरी की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो आप देख सकते हैं कि करीब वो 30% की डिलीवरी यहाँ पे उड़ते हुए हमको देखने को मिल जा रही है। सो इस कंपनी की यहाँ पर बातें करें तो एक के बाद एक यहाँ पे उम्मीदें लगाई जा रही है कि 24 जून को ये चीज़ें हो सकती है। तो दोस्तों आप भी 24 जून को इस कंपनी में करीब 2 बजे यहाँ पे मीटिंग होनी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, इस टाइम को ध्यान रखें, आप देखें कि इस कंपनी से क्या न्यूज़ हमको बाहर आती हुए देखने को मिल रही है 24 तारीख को, जिससे आपको ही यहाँ पे फ़ायदा होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो यही थी दोस्तों न्यूज़। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।